हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ बेहद खास फूलों के बारे में जो कि बसंत ऋतु में खिलते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही खास है क्योंकि रंग बिरंगे फूलों की छटा बेहद खूबसूरत लगती है। आप देख सकते हैं नीले पीले सफ़ेद रंग के ये फूल कितने ही खूबसूरत है। तो नंबर वन पे सबसे पहले बात करते हैं, हमने जिस फूल को लिया है वो है एक्रोक्लिनियम। ये फूल आप देखिए कितना सुंदर सा है और ये सफ़ेद गुलाबी दो रंगों में होता है। सूर्य पर इसका जो पत्ता होता है वो बिल्कुल पेपर के जैसा लगता है, एक तरीके से कह सकते हैं लगता है कि कागज़ का फूल बना हुआ है। आप इसको छूकर महसूस करिए, देखिए कि बिल्कुल लग रहा है कि ये एक कागज़ का फूल है और दिखने में दोस्तों एकदम छूने में भी लगेगा कि कागज़ का ही बना हुआ फूल है। बेहद खूबसूरत होता है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, पतली पतली टहनियाँ होती हैं, इस तरीके की इसकी कली होती है। और जैसे ही जनवरी का महीना ख़त्म होता है ये फूलों की छटा आपके गार्डन में बिखर जाती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो फूल आता है वो बेहद ख़ास है, पर्सियन कॉर्न फ्लावर। आप देखिए बिल्कुल रुए जैसा लगता है, अगर इस फूल को आप देखेंगे तो साइड में ये काफ़ी सुंदर खिला रहता है, बीच में काफ़ी रुई जैसा होता है और ये भी जो है फरवरी मार्च में ये फूल खिलता है। इसको कम ठंडी की आवश्यकता होती है और जैसे ही बसंत का आगमन होता है ये फूल खिल जाते हैं और बीज के द्वारा इस पौधे को तैयार किया जाता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर फूल आता है हमारा कैलेंडुला। बेहद ही खूबसूरत होता है, बेड में इसकी प्लांटिंग की जाती है और मुख्य रूप से ये इसको हम पार्ट मैरी गोल्ड भी कहते हैं। ठंड में ही ये पौधा जीवित रहता है, जब ठंडा का मौसम बढ़ता है तो ये फूल खिलने प्रारंभ हो जाते हैं। ये फूल जब भी आप लगाइए तो ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ पर खुला स्थान हो, सीधी धूप आती हो, क्योंकि इसको धूप की आवश्यकता होती है। छायादार स्थान पर ये पौधा अच्छा सर्वाइव नहीं करता है। नवंबर महीना में इसके बीज के द्वारा पौधा तैयार किया जाता है, इसकी नर्सरी बेड बनाकर इसके पौध को तैयार करें। और देखिए इसमें मधुमक्खी अपना पराग भी इकट्ठा कर रही है। ये हमने बेस्ट एक डब्बा था, पॉट था, उसमें भी हमने कैलेंडुला लगा रखा है। इस तरीके से ये बेस्ट जो हमारा पॉट था इसकी भी एक खूबसूरती बढ़ गई है। ये हमने कट किया था पॉट को और अभी कैलेंडुला इसमें खिला हुआ है। तो दोस्तों, इस तरीके से बेस्ट मटेरियल में भी हम इन पौधों को लगा सकते हैं। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं ऐसे पौधे की, ऐसे फूल की, बर्बेना फ्लावर्स, जो कि कई रंगों में होते हैं। देखिए ये बैंगनी और गुलाबी रंग का है, इसी तरीके से ये सफ़ेद रंग के होते हैं, डार्क बैंगनी कलर के भी होते हैं। छोटा सा पौधा होता है और ये भी बसंत ऋतु में काफ़ी अच्छा खिलता है, अच्छी सुगंध आती है। पाँचवें नंबर पर बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये डहलिया, जो कि अभी चारों तरफ ही अपनी छटा बिखेरे हुए है। फरवरी महीना आते ही ये पौधे में से फूल खिलने प्रारंभ हो जाते हैं और कई तरीके के होते हैं। देखिए लाल रंग है, गुलाबी रंग है, सफ़ेद रंग है, कई प्रकार के रंगों में होता है। और दोस्तों, ये जो पौधा तैयार होता है ये ट्यूबर से होता है, इसमें बीज से तैयार नहीं होता है। इसका बीज होता है वो ट्यूबर होता है, जैसे कि हमारा अदरक हल्दी होता है, बिल्कुल उसी तरीके से इसका ट्यूबर होता है, जो कि अक्टूबर नवंबर माह में रोपा जाता है और उसके रोपाई के बाद इसमें से कल्ले निकलते हैं। देखिए मधुमक्खी इसमें से अपना पराग ले रही है। ये भी इसका, इससे आप समझ सकते हैं कि जो हम शहद खाते हैं वो मधुमक्खी कई फूलों से भी अपना पराग को एकत्रित करती है। तो ये डहलिया का फूल भी है जिसको जो मधुमक्खी को पसंद आता है, इससे वो अपना पराग एकत्रित करके शहद बनाती है। और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी मक्खियाँ भी हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ कुछ फूलों पर हमें मक्खियाँ भी नज़र आ रही हैं। ये मधुमक्खी है जो कि अपना पराग एकत्रित कर रही है, तो इसको लगाकर आप अपने गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, छठे नंबर पर जो पौधा आता है वो है आपका एस्टर फ्लावर। देखिए कितना बैगनी कलर का ये फूल है, बहुत ही सुंदर लगता है। ये भी बीज से तैयार किया जाता है और फरवरी से मार्च तक ये खिलता है, इसको भी धूप की आवश्यकता पड़ती है। सातवें नंबर पर जो बात करेंगे वो है पौधा ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस का फ्लावर भी होता है, कंद से तैयार होता है। इसका भी जैसे कि अदरक या हल्दी होता है उसी तरीके से इसका ट्यूबर होता है। आप देख सकते हैं कि ये इसका स्टेम है और इसी में कली आई हुई है और ये लाल रंग का ग्लैडियोलस है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप देखें कि हमने इसको आपको दिखा रहे हैं, इसका रूल है। आठवें नंबर पर जो सबसे मुख्य प्लांट है वो है कैंडी टफ्ट, इसको आईबेरी समारा भी बोलते हैं। और दोस्तों, इसको आप बेड में प्लांट कर सकते हैं, सफ़ेद रंग का छोटा छोटा फूल होता है, चारों तरफ से पूरी बेड सफ़ेद रंग की, लगता है कि कोई बर्फ़ बिछी हो उस तरीके से लगता है। और ये भी समर यानी कि जब सर्दियाँ लगभग ख़त्म होने की कगार पर होती है तभी ये फूल खिलना प्रारंभ होता है। पत्तियाँ छोटी पतली लंबी होती हैं और फूल गुच्छों में आते हैं। आप देखिए कि हमने इसको ज़मीन पे बेड में लगाया हुआ है, इसमें पूरा ही पौधा जो है सफ़ेद रंग के फूलों से पूरी तरीके से भर गया है। कई प्रकार की मक्खियाँ मधुमक्खियाँ इस पर परागण के लिए आ रही हैं। तो दोस्तों, इसको भी लगाकर आप अपने गार्डन को खूबसूरत और सुंदर बना सकते हैं। दोस्तों, नौ नंबर पर जिसको मैंने रखा है वो है नेस्टूरियम।
ये फूल दिखने में बड़ा सुंदर होता है। सबसे बड़ी बात है कि इसके फूल और पत्ते दोनों ही खाने योग्य होते हैं। इनकी सब्जी भी बनाई जाती है और दिखने में ये काफ़ी खूबसूरत होता है। ये बेड प्लांटिंग है और इसको भी सीड के द्वारा तैयार किया जाता है। तो 10वें नंबर पर जो पौधा हमने रखा है वो है कैसे बैलेंसिया। ये लिली होता है और ये इस वक्त फरवरी महीना में खिलना प्रारंभ होता है। ये भी बेहद खूबसूरत होता है। इसको भी ट्यूबर यानी कि इसका भी कंद होता है जिसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। तो आप देख सकते हैं गमले में ये गुलाबी और पीले रंग का लिली है जो कि अभी खिला हुआ है और इसको लगाकर आप अपने गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं। और फूल काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, पेंडुलम के आकार के होते हैं, खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों 11वें नंबर पर जो हमने रखा है वो है गुलाब। सभी लोग जानते हैं कि रोज़ के फ्लावर्स अभी फरवरी महीने में चारों तरफ गुलाब की ही छटा बिखर जाती है, तो इसको भी आप अपने गार्डन में लगाकर अपने गार्डन का लुक अच्छा कर सकते हैं। ये देखिए ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार किया गया गुलाब का कुछ फूल है। कई तरीके के गुलाब इसमें हैं, पीले हैं, लाल हैं, गुलाबी हैं। ये देखिए रेड कलर का गुलाब है, काफ़ी सुर्ख लाल कलर का गुलाब है, तो काफ़ी अच्छा इसमें फूल लगा हुआ है। दोस्तों इसको लगाने, गुलाब तो आपका पेरिनियल होता है, इसको एक बार लगा दीजिए तो ये सालों साल चलता रहता है। ये देखिए गुलाबी कलर का गुलाब है और इसको एक बार लगा दीजिए तो सालों भर ये चलता रहता है और इसमें फूल आते रहते हैं। बीच बीच में इसकी कटाई छटाई करते रहना ज़रूरी है। इस पौधे में बहुत छोटे फूल पहले आते थे दोस्तों, इसकी मैंने कटाई छटाई करी थी आज से 3 महीना पहले कटाई छटाई करी थी, तो देखिए फूलों का साइज़ बढ़कर कितना बड़ा हो गया है। तो इस तरीके से आप गुलाब को मेंटेन करके उसमें अच्छा फूल ले सकते हैं। देखिए इसकी कलियां हैं जो काफ़ी स्वस्थ हैं, इसमें रस चूसक कीट लग जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि समय समय पर हमें कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कर देना, फंजीसाइड का स्प्रे कर देना, ताकि हमारा फूल खूबसूरत रहे, सुंदर रहे। तो ये आपका एक शंकर गुलाब है जिसको हमने ग्राफ्टिंग से तैयार किया। दोस्तों ये कटिंग के द्वारा तैयार किया गया गुलाब है जो कि हमने एक बेड में लगा रखा है। तो ये भी हमारा बसंत ऋतु यानी कि फरवरी मार्च तक ही खिलता रहता है, जनवरी से ही खिलना प्रारंभ हो जाता है। इसकी भी कटाई छटाई की आवश्यकता है, इसको हमने कटाई छटाई किया था, इसलिए आप देख सकते हैं कि छोटे से पेड़ में ही कम से कम 20 से 25 फूल लगे हुए हैं। खूबसूरत है, लाइट कलर का गुलाबी है, तो देसी गुलाब होता है। इसमें लाल रंग का सुर्ख गुलाब भी आता है, दो रंग मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं। गुच्छे में ये लगता है और देखिए एक ही गुच्छे में 6 से 7 गुलाब लगे हुए हैं, तो इसको भी लगाकर आप अपने बगीचे की शोभा बढ़ा सकते हैं। अगले फूल की जो हम बात करने जा रहे हैं उसको 13वीं रैंक पर जिसको हमने रखा है दोस्तों, वो है पैंजी, जो कि फरवरी में ही मुख्य रूप से खिलता है। और पैंजी का जो खासियत होता है कि ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, सर्दी के समय में ही इसके फूल खिलते हैं। आप इसमें देखिए येलो कलर का है, डार्क बैंगनी कलर का है, लाइट बैंगनी कलर का है, नीले रंग का है, कई तरीके के इसके पेटल्स होते हैं और बहुत सुंदर से लगते हैं। इसको आप जब बेड में लगाएंगे तो पूरी ही बेड पीली और नीली और बैंगनी रंग की दिखाई पड़ेगी, इससे पूरी ही खूबसूरती हो जाती है। ये भी 20 से तैयार किया जाने वाला पौधा है। अगला पौधा 4वें नंबर पर जो फूल ले रहे हैं वो है हमारा कॉमन पॉपी। दोस्तों आप देखिए इसकी कलियां हैं और ये कलियां नीचे की ओर झुकी हुई हैं, इन्हीं कलियों को जब खिलती हैं तो फूल में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए ये फूल था लेकिन जो पक के तैयार हो गया है, इसका अंदर सीड है और ये फूल लगे हुए हैं। रेड कलर का ये कॉमन पॉपी का प्लांट है जो कि पूरी तरीके से ऑर्नामेंटल के लिए यूज होता है और इसको भी आप बेड में लगा सकते हैं। ये भी बीज के द्वारा तैयार किया जाता है, जो छोटे छोटे बारीक इसके बीज होते हैं जो कि अक्टूबर महीने में ही बुआई की जाती है और जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने ये इस तरीके से बेड में फ्लावरिंग देता रहता है। तो इसको लगाकर भी एक बहुत अच्छा लुक आप पा सकते हैं और इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा हाई नहीं होती, बस इसमें बीच बीच में घास नहीं होनी चाहिए। देखिए इसमें बीच में अंदर सीड तैयार हो गया है, यही बीज तैयार हो जाएगा तो इस बीज से ही आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। अच्छे तरीके से बेड को तैयार करके और उसमें बीज की बुनाई कर दीजिए। बुनाई करने के बाद जो है ये देखिए इसकी कली, ये इसका फूल है। अब बुनाई करने के बाद इसको अच्छी निकाई कुड़ाई करते रहिए तो देखेंगे कि पूरी ही जो क्यारी है वो इस तरीके से रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों से भर जाएगी और ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। सुर्ख लाल रंग का है, इसको ज़रूर लगाएं। और अगला जो फूल है 15वें नंबर पर जिसको मैंने रखा है वो फूल है बुली सनफ्लावर। दोस्तों ये फूल अगर आप लगाते हैं, देखिए मैंने इसको अपनी क्यारी में लगा रखा है, ये फूल पीले रंग का होता है और पूरा ही खेत, पूरा ही जो प्लॉट है यानी कि जो मेरी क्यारी है पूरे पीले रंग के फूलों से भर गई है। मुझे तो ये फूल बहुत ही पसंद है और आप देखिए कि एक फूल है, इसकी पतली पतली पत्तियाँ होती हैं, इसको 20 से तैयार करते हैं। दोस्तों 16वें नंबर पर हमने रखा हुआ है ग्लोबेनलिप टोटफ्लिक्स को, जो कि गुलाबी रंग के प्लांट्स होते हैं, फूल वापस के आते हैं, पतली छोटी छोटी शार्प पत्तियाँ होती हैं, इसको भी तैयार किया जाता है 20 से और इसमें हमने स्प्रिंकलर सिस्टम लगा रखा है जिससे कि इसमें सिंचाई होती है। दोस्तों 17वें नंबर पर जो पौधा है वो है पिटूनिया।
जो कि गमले में लगा हुआ सफ़ेद रंग का पिटूनिया है। आप देखिए कि फरवरी महीने और मार्च महीने में ये पिटूनिया कितना ही सुंदर लग रहा है। पिटूनिया जो है वो बहुत ही अच्छा फूल है, कम से कम इस महीने में ठंड के मौसम में कम मेहनत में आप इसको लगा सकते हैं। कई रंग का होता है, आप देख सकते हैं कि डार्क गुलाबी कलर का है, बैंगनी है, सफ़ेद बैंगनी तरीके का है। तो अगला जो फूल है हमारा 18वें नंबर पर वो है सेल्विया फ्लावर। दोस्तों ये बड़ी सुर्ख लाल रंग का ये फूल होता है और इसका पौधा देखिए पूरा क्यारी में मैंने लगाया हुआ है। इसके जो सुर्ख फूल होते हैं देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। अगर आप इसको अपने घर के आगे लगाएंगे तो बड़ा सुंदर लगेगा, क्योंकि ये फूल भी पूरी तरीके से बीज से ही तैयार होता है। इसको भी हम अक्टूबर में इसके बीज क्यारी में लगाते हैं तो ये पौधा तैयार हो जाता है। 19वें नंबर पर बात करते हैं हम पनसेंटिया प्लांट की। ये पौधा जो है इसके पत्तियाँ जो हैं ऊपर से देखिए लाल सुर्ख रंग की होती हैं और ये पौधा जो है ये भी बीज से ही तैयार किया जाता है। बीज लगाकर इस पौधे को तैयार करते हैं और ये पौधा जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक इस तरीके से फूल देता रहता है। लगता है कि पत्तियाँ ही सुर्ख लाल हो गई हैं, ऊपर की तरफ में देखिए कितनी सुंदर लाल पत्तियाँ हैं। तो अगर आप इसको एक तरीके से हैज और बेड दोनों में लगा सकते हैं, अगर आप सड़क के किनारे जैसे आपका घर है बाउंड्री के किनारे इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये पौधा काफ़ी खूबसूरत है। 20वें नंबर पर बात करते हैं जंकी ईयर प्लांट, जिसको पैरसलम भी कहते हैं। मुख्य रूप से इस अजूबा का पौधा भी हिंदी में कहा जाता है। इसमें देखिए नीचे जो पत्तियां हैं उसके बाद इसमें जनवरी महीने में इस तरीके से फ्लावर लग जाते हैं जो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों मैंने आपको इस तरीके से 20 पौधों के बारे में बताया और ये विभिन्न प्रकार के पौधे बसंत ऋतु में अपनी क्यारी को अपनी बगिया को पूरी तरीके से महका देंगे। कुछ बीज से तैयार होते हैं, कुछ ट्यूबर से तैयार होते हैं, कुछ पत्ती से। जैसे ब्रायोफिल्म पत्ती से तैयार होने वाला पौधा है, इसके साइड में पत्तियों में से ही पौधे निकल जाते हैं। तो दोस्तों आपको आशा है कि ये पसंद आया होगा ये पूरा वीडियो। इसमें आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए और नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।